मुड़ के मेरी आँख में देखा और जैसे ही आई कॉन्टेक्ट मिले तो हमने तो होश उड़ गए। फिर तो जो गाड़ी दबाई जय श्री राम बोल के अब दिल धक धक करे बहुत जोर जोर से। तो मेरा रिकॉर्ड बगनी से वो क्वालिटी रिकॉर्ड में लिखा जाता। इतनी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ दी थी मैंने और मेरे दो दोस्तों ने। घर पहुंच के हमको मिल गई पुलिस मिल गई। बच्चों कहाँ जा रहे हो? तो हमने बोला अरे सर हम तो पढ़ के आ रहे हैं दोस्त के घर से। घर में तो ऐसा डर लगा कि मैंने ऊपर से छोटे भाई को बुलाया। आज कुशल हमको एक थोड़ा सा बड़ी रियल कहानी है ये, उसके साथ जरा तो उसको भूत तो नहीं बोल सकते पर एक बड़ा ही खराब एक्सपीरियंस हुआ था तो वो सुनाएगा। तो बता जरा कुशल। अब हुआ क्या था कि वो बात थी हमारे 12th बोर्ड की। जब बोर्ड चल रहे थे तो उसमें मेरे दो दोस्त को फोन करा मैंने कि भैया आ जाओ घर पे पढ़ाई लिखाई करेंगे अपन। एक दिन पहले वही पेपर के एक दिन पहले ही पढ़ते हैं अपन। तो मैंने कि आ जाओ अपन पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो उनके झोले झंडी लेके आ गए तो हाँ मेरे घर पे। तो मैंने पापा का ऑफिस खोला पिटाक से, आधी रात में शटर खोल दी मैंने। तो 10-11 बजे के समथिंग बुलाया था मैंने उनको रात में और अगले दिन पेपर था। अब मेरे को क्या फट रही थी तो मैंने उनको बुला लिया। मैंने कि भैया एक साथ रहेगा अपन अकेले फेल हो इससे अच्छा साथ में अपने प्यारे प्यारे दो दोस्तों को लेकर डूबो। तो मैंने बुलाया उनको तो खोली शटर और बिठाया। फिर हमने खोली हमारी कॉपी किताब खोल के पढ़ी लिखाई चालू करी। कितनी बजे की बात है? ये थी 11 के समथिंग की बात, रात की 11 बजे। तो पढ़ाई लिखाई चालू करी, 2-4 क्वेश्चन करे बुक खोल के आँख मीच के, जैसे कि आंसर पे हाथ रख के अपन लिखते नहीं। काहे का पेपर था यार? अकाउंट्स का पेपर था और अकाउंट्स बहुत इंटरेस्टिंग और भयानक सब्जेक्ट है। तो उसमें कर रहे थे हम क्वेश्चन, एक दूसरे की कमी निकाल रहे थे कि भैया तेरे को तो कुछ भी नहीं आता तू कल फेल हो जाएगा। तो कर रहे थे तो मेरे को तो क्या, मैं जी घबराने लग गया। मैंने बहुत पढ़ लिए, 12:30 बज गई थी और कहाँ सलंग पढ़ लिया अपन तो बातचीत करते हैं फटाफट, काम कम बात ज़्यादा। फिर हमने सोची कि बस थक गए अब चलो निकलते हैं। हम घर से बाहर निकलने की सोच रहे, बाहर खड़े हो गए होटले पे बैठ गए। फिर सोच रहे चले कि नहीं चले, रात की बहुत टाइम हो गया है, 2:30 बज गई है। डेढ़ बज गई थी तो 1:30 बजे से हमने आधा घंटा तो सोचने में निकाल दिया कि भैया जाना है कि नहीं। तो अब मना ही लिया मोड़ के चलना ही है, झोले झंडी पैक कर लो वहीं के वहीं निकल जाना मेरे को छोड़ते हुए। तो गए हम। अब हमारी एक ही प्राइम लोकेशन है, हम जाते हैं सू हमारे शहर के एंड पे से कट के वापस आ जाते हैं यू टर्न मार के। तब यू टर्न मार के आए और रात की बज रही थी, 2:30 से लेकर 3 के बीच में टाइम हो रहा था। तो भैया पहुँचे तो एक अस्पताल आता है जानवरों के अस्पताल के आगे थोड़ा पेड़ वेड़ लगे हैं। तो गाड़ी में ड्राइव कर रहा था और सबसे ज़्यादा चुल भी अपने हुई है। तो उसमें क्या हुआ, एकदम से एक व्यक्ति निकला पेड़ के उधर से, थोड़ा ऐसी था वो बाबा टाइप का। तो निकला तो खुराफाती चुल तो मैं तो गया, मैंने कि कट देऊंगा देखना। मेरे दो दोस्त थे उनको बोला मैंने कि कट देऊंगा देखना, दिमाग तो बोल रहा था कि कट दे दे। उसके पास गया मैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मैं 30-40 मीटर का डिफरेंस होगा। इतने मेरे को यहाँ से कांटेक्ट आया मैंने कि मत कर भैया, तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मैं 10-15 मीटर के डिफरेंस में मैंने इधर कट ले ली उसको, कट उनको बाबा जी को कट नहीं दिया। अब बाबा जी ने ना मुड़ के मेरी आँख में देखा तो हमारी आई कॉन्टेक्ट मिल गए और जैसे ही आई कॉन्टेक्ट मिले तो हमने तो होश उड़ गए ने चक्कर आ गए मेरे को। तो उनकी आँख से आँख मिला के, उनकी एक ये था कि उनकी एक आँख सफ़ेद कलर की थी और एक आँख नॉर्मल थी और कुछ अलग ही था वो सीन, ओरा अलग होगा उनका। तो जैसे ही आई कॉन्टेक्ट मिले
तो 2 सेकंड तक तो ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं, उड़ गया सॉफ्टवेयर, उड़ गया अपना, तो ब्लिंक हो गए सॉफ्टवेयर, उड़ गया अपना, तो ऐसा लग रहा था कि शरीर ने आत्मा को छोड़ दिया और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे जैसे पुरानी टीवी रहती थी, अपनी पुरानी टीवी, धीरे धीरे कलर आते थे उसमें, ऐसे मेरी फिर आंख में धीरे धीरे कलर आए, फिर मेरे को थोड़ा होश आया। अच्छा तुम गिरे तो नहीं ना उसमें? गिरे नहीं, लड़खड़ाई गाड़ी पर ठीक कर ली मैंने, आई कॉन्टेक्ट मिलते ही तो थोड़ा सा होश आया मेरे को, 10 सेकंड के अंदर वापस नॉर्मल हो गया, वापस हैंडलिंग हो गई थी अपनी गाड़ी पर। फिर मैंने वापस पीछे पलट के देखा, मैंने कि बाबा जी में बहुत दम था यार, तो बाबा जी तो नहीं, कुत्ता जरूर भाग रहा था हमारे पीछे काले कलर का, वो नहीं दिख रहा था, वो गायब हो गए एकदम से, मतलब लूप तो गए, वो एकदम से दिख ही नहीं रहे थे तुमको, 20 सड़क से एकदम से गायब हो गए। और एक कुत्ता आ गया उनकी जगह से, वो हमारे पीछे दौड़ रहा था, और भी कुछ ज्यादा ही दौड़ा होगा। फिर मैंने वापस पीछे पलट के देखा, तो पीछे पलटा, कुत्ता भी नहीं दिखा। फिर तो जो गाड़ी दबाई जय श्री राम बोल के जो हनुमान चालीसा पढ़ी, तो मैंने हनुमान चालीसा का रिकॉर्ड अगर उस दिन होता तो मेरा रिकॉर्ड बगनी वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाता, इतनी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ देती मैंने, और मेरे दो दोस्तों ने भी। अच्छा उनको भी सेम एक्सपीरियंस? उनको नहीं, एक्चुअली आई कॉन्टेक्ट क्या मेरे साथ ही हुआ, पर जो बीच में बैठा था मेरा एक दोस्त, वो भी कह रहा था कि थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ दूसरी पावर है, थोड़ा मल्टीवर्स वाली पावर है। तो मैंने कहा हाँ यार, मैंने कि तुमको विश्वास तो नहीं होगा पर मेरे साथ ऐसा हुआ। तो फिर उनको विश्वास कब हुआ, जब मैंने पीछे पलट के देखा तो बाबा जी नहीं थे और कुत्ता भाग रहा था काले कलर का। फिर उनने मेरे को छोड़ा घर, हम धीरे धीरे हनुमान चले, धीरे धीरे तो नहीं, बहुत तेज भगई गाड़ी मैंने, तो मतलब यूँ मान लो आप कि मैंने 2 किलोमीटर बहुत कम डिफरेंस में सेकेंडों में पार कर दिए थे गाड़ी से, 3 जने बिठा गया। तो पहुंच गए हम घर, घर पहुंच के हमको मिल गई पुलिस मिल गई, बच्चों कहाँ जा रहे हो? तो हमने बोला अरे सर हम तो पढ़ के आ रहे हैं दोस्त के घर से, तो मैं जवाब दे रहा था पुलिस को, बोले आपका घर कहाँ है? मैंने कहा ये सामने, जस्ट इसके सामने ही खड़ा हूँ। अच्छा, मैंने कहा सर ये बैग हमने टांगा रखा था सेफ्टी के लिए, हमको मालूम था पुलिस पकड़ेगी। तो मैं उतरा, वो पुलिस वाले ने कहा चलो बच्चों को डिस्टर्ब मत करो कल पेपर है, तो वो भी चले गए। तो हमने बात करी फिर रुक के, अब दिल धक धक करे बहुत जोर जोर से। नींद आई कि नहीं उस दिन? नींद तो नहीं आई यार, और 4 घंटे बाद पेपर था, 3:30 बजे 4 बजे घर आते, तो 3-4 घंटे बाद पेपर था। पेपर भी अच्छा नहीं गया? पेपर तो आँख मीच के दिया, तो जो लिखा गया मैंने बुखार तो नहीं आया जैसे अधिकतर आ जाता है बच्चों का अगर ऐसा कुछ देख लेते हैं तो? पर अपन तो बड़े हो गए, पर फिर रोज घूमने जाते हैं, रात में आ जाते घूमने जाने की, तो पर 3 बजे तो नहीं, हाँ 10, 8, 9 बजे के समथिंग निकलते, तो वो जाते तो वही दिल में आता कि भैया यार तो ऐसी जगह से नहीं निकलते हम, शमशान के सामने या इधर उधर। तो वो क्या, वो काइंड ऑफ कैसे थे? वो जैसे अघोरी बाबा, जैसे शमशान में बाबा रहते ना, उन टाइप के, पर वो पावर उनकी फील, पावर थी, हो गई फील एक ही में, 2 सेकंड तक तो सूझी नहीं पड़ी कि क्या चल रहा है जिंदगी में। बहुत बुरा डर लगा था यार उसके, तो मतलब क्या बताऊं। तो उधर पुलिस वाले से निवृत्त होके मैं गया घर में, तो घर में फिर तो जाने के बाद अंधेरे में, घर में तो ऐसा डर लगा कि मैंने ऊपर से छोटे भाई को बुलाया, वो आया गेट खोलना, तो गेट खोलते से भग जाता है, अब छोटा भाई क्या डरता है बड़े भाई से। मैंने कहा रुक 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 रुक, चलते साथ में चलते हैं, क्या आ रहा है यार तू? तो मैंने कहा रुक 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 रुक, चलते हैं यार, गेट वेट लगा लेते हैं, मेरे को आराम से चलेंगे अपन। तो और उस वक्त क्या, फिर रात में थोड़े से सुबह की 5-6 बजे मेरे को टॉयलेट आई, मैं टॉयलेट भी नहीं गया डर के मारे। तो बहुत अलग यूनिक एक्सपीरियंस था, और उसके बाद तो नहीं हुआ ना, चाहता भी नहीं होगी हो अब होश ही उड़ गए थे उसमें तो यार, एक ही में मैंने, उसके पहले तो कुछ तू मानता वानता नहीं होगा, नहीं था, उसके बाद थोड़ा कि हाँ कुछ तो होता है, बोले प्लस है तो माइनस भी है।
बढ़िया लगा, अच्छा करा तूने ये एक्सपीरियंस शेयर करा, तो लोगों को भी थोड़ा हाँ सही है। पर वो तो जब तक हाँ जब तक नहीं मानोगे आप, सही बात, फील नहीं करोगे नहीं मानोगे, बिल्कुल सही बात है। चलो तो खत्म करते हैं पॉडकास्ट, और भी कुछ याद आए तो बताना। या अगर आप भी कोई चाहते हैं कि आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है और वो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं, और मेरी इंस्टा लिंक नीचे आ रही है अंडरडॉग माइंड्स के नाम से। प्लीज लाइक सब्सक्राइब अंडरडॉग माइंड।